गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ग्रेटर 7 डिजिट और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का लिखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा नंबर है, अब इस नंबर को ग्रेटेस्ट 7 डिजिट और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट यानी बड़ा, अब इसमें सिर्फ 4 नंबर है लेकिन 7 डिजिट बनाना है, तो आप इस तुम लोग इसमें दो दो कर, कोई भी नंबर को दो बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, 7 डिजिट करना है तो ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा 9 हो गया, फिर 7 दो बार ले लो। ठीक है, फिर 3 है, 3 को भी दो बार ले लो, फिर 1 है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हुआ, 6 हुआ एक और नंबर, तो 1 एक और ले लो, 7 हो गया। अब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में 8 डिजिट करना है, यानी दो दो डिजिट सारा लेना है, यानी 1 दो बार, 3 दो बार, 7 दो बार, 9 दो बार, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये हो गया, ऐसे ही सारा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में 9 डिजिट करना है, 9 डिजिट है तो इन इसमें 1 2 3 4 5 5 डिजिट है, तो इसको भी 9 डिजिट बनाना है, 9 डिजिट ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले 9 ले लो, सबसे ग्रेटेस्ट यानी बड़ा है तो बड़ा नंबर 9 ही हुआ, फिर 7 दो बार ले लो, उसके बाद 4 है, 4 दो बार ले लो, फिर 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दो बार भी ले सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट हो गया। हम थोड़ा दूर दूर लिखे लेकिन तुम लोग पास में लिखना, नंबर लिखना है। ठीक है, पास में सारे, इससे भी पास में, इसे भी पास में, ये भी पास में लिखना। अब स्मॉलेस्ट है तो इसको भी छोटा कर लो, और 0 कभी भी पहले नहीं होता, पहले 1 होगा, फिर 0, फिर 1, फिर 4 4 7 7 9 9। ठीक है, इस तरीके से करोगे, और 0 कभी भी पहले नहीं होगा, छोटा भले 0 होता है लेकिन 0 कभी फर्स्ट प्लेस पे नहीं होगा, वो हमेशा सेकंड प्लेस पे ही रहेगा, फर्स्ट प्लेस पे उसके पहले वाला जो होता है वो नंबर रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैंने आंसर्स का सॉल्व कर दिया है, यही आंसर रहेगा, ग्रेटेस्ट में ये, स्मॉलेस्ट में ये, और बी वाले का ग्रेटेस्ट नंबर ये है, स्मॉलेस्ट नंबर ये है, सी का लिख दिए हैं, डी का भी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसको माइनस करना है, मैंने नंबर लिखा है, इसको माइनस करके लिखोगे, और 10 वाले को भी माइनस, इन दोनों को करके ये लिखोगे, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कॉपी में करना है।